Hello everybody, this is Shivam, Dubey from English Kingdom, Allahabad. I'm here with another literary piece, in fact literary master. It's John Milton, whom we call to be the last great Renaissance poet. John Milton, jinko last great Renaissance poet ke naam se jana jata hai. Aaj humare is video mein hum उन्हीं के ऊपर एक चर्चा करेंगे जिसमें उनके लिटरेरी वर्क्स के साथ साथ उनके लाइफ को भी डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन के लिटरेचर को डिस्कस करने से पहले या जॉन मिल्टन के लाइफ को डिस्कस करने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि जॉन मिल्टन के समय के जो पॉलिटिकल और जो सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड था उसको जान लेना, क्योंकि निश्चित तौर से जॉन मिल्टन इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिलीजियस। अगर देखा जाए तो जॉन मिल्टन की जितनी भी राइटिंग होती उनमें धार्मिकता जो होती है, रिलीजियस फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम बाइबल वी कैन से, बट ये सभी चीज़ें होने के बावजूद अगर हम बात जॉन मिल्टन की करें तो जॉन मिल्टन कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिटनिज्म एज वेल, क्योंकि जब हम प्यूरिटन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एक थॉट होता है जिस पर हम कंसीडर करते हैं कि हु इज ग्रेटर, क्योंकि अगर हम प्यूरिटन की बात करें तो चर्च इज ग्रेटर, लेकिन अगर हम रॉयलिस्ट की बात करें द किंग इज ग्रेटर। इनफैक्ट चर्च और किंग के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वह कॉन्फ्लिक्ट कोई एलिजाबेथन एज या जेकोबियन एज की शुरुआत नहीं है। जब से हेनरी सेवेंथ, इनफैक्ट 1485 से किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं, इंग्लैंड में रिनेसां आता और यहाँ से एक नई फीलिंग, एक नया थॉट लोगों के सामने आता है जहाँ से बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही होती। इसी में किंग की पावर जिस तरह से बढ़ रही थी वो धीरे धीरे करके ट्राइड टू चैलेंज द पावर एंड राइट्स ऑफ चर्च, इनफैक्ट पोप, क्योंकि अभी तक पोप का ज्यूरिडिक्शन जिसको हम पॉपल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं, पॉपल ज्यूरिडिक्शन चलता था जिसके तहत किंग भी पोप के नीचे होता था या पोप की बातों को फॉलो करने के लिए फोर्स था, मजबूर था। जब हेनरी एट्थ किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं तो वो इस सुप्रीमेसी ऑफ चर्च या सुप्रीमेसी ऑफ पोप को चैलेंज करते हैं एंड 1534 में वो एक एक्ट पारित कराते हैं जिसका नाम होता है एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, और इस एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के जरिए ही प्रूव्ड दैट द किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। इसलिए किंग किसी और, चाहे वो पोप हो या चर्च की बातें हो, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं। इतना ही नहीं, इस समय की जो रिलीजियस चेंजेस हो रही थी उसमें क्रिश्चियनिटी का डिवाइड होना भी था, क्योंकि अगर बात किया जाए क्रिश्चियनिटी के कैथोलिसिज्म की तो कैथोलिसिज्म इंस्टीट्यूशनलिज्म में बिलीव करता था। कैथोलिसिज्म के अकॉर्डिंग यह मानना था कि किसी भी पर्सन का सेल्वेशन या मोक्ष इज पॉसिबल ओनली थ्रू इंस्टीट्यूट्स दैट्स अ चर्च, और चर्च के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पोप या क्लर्जी में, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन इसी समय के एक सोशल रिफॉर्मर है जिनका नाम रहा मार्टिन लूथर, उन्होंने एक नया अपना वाद, एक नया अपना डॉक्ट्रिन दिया जिस डॉक्ट्रिन को हम प्रोटेस्टेंटिज्म के नाम से जानते हैं, और इस प्रोटेस्टेंटिज्म से एक बात सामने आती है वो थी इंडिविजुअलिज्म। मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का सेल्वेशन या मोक्ष इज पॉसिबल थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट्स, व्यक्ति अपने खुद के अंदर अपनी सोल में अगर उस गॉड को देखता है तो ही गेट सर्वेशन, और इस तरह की चीजों के लिए उसे चर्च जाने या पोप से मिलने या प्रीस्ट से मिलने या क्लर्जीमैन से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक नया धर्म, एक नया रिलीजन प्रोटेस्टेंटिज्म के नाम से भी लॉन्च हो चुका था। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सभी चीजें एक साथ आकर के एलिजाबेथन एज के बाद जेकोबियन एज में देखने को मिलती है। एलिजाबेथन एज में प्यूरिटन जो मूवमेंट था वो दबा हुआ रहा, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ की डेथ होती है और जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं 1603 में,
तुरंत जो प्यूरिटन मूवमेंट था वो एक कॉन्स्पिरेसी का रूप लेता है एंड गन पाउडर प्लॉट जो 1605 में इनफैक्ट प्लान किया जाता है टू किल जेम्स फर्स्ट ये फेल्ड प्लॉट होता है लेकिन यह प्लॉट यह दिखाता है कि प्यूरिटन जो थे वो धीरे धीरे अपने आप को फिर से सामने ले आ रहे थे यही वो प्यूरिटन थे जब चार्ल्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं 1625 में तो ये अपने डोमिनेंस में आते हैं और धीरे धीरे करके यह प्यूरिटन जो होता है कॉमनवेल्थ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड लाइफ की ओर जाता है और अपने आप को कॉमनवेल्थ के नाम से जनाने लगता है चार्ल्स फर्स्ट एक लग्जरियस किंग थे जो कहीं से भी रिलीजियस या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए तैयार नहीं थे बल्कि वह लग्जरियस लाइफ जी रहे थे जिससे उनकी अपनी जो आवाम थी उनकी अपनी जो पब्लिक थी वह भी धीरे धीरे चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट चली गई इतना ही नहीं था चार्ल्स फर्स्ट एक कैथोलिक थे और अभी प्रोटेस्टेंट जो फीलिंग थी वह भी इंग्लैंड के जो नेटिव लोग थे उनमें धीरे धीरे करके आ रहा था क्योंकि हमें मालूम है कि जितने कैथोलिक्स थे वो इनहैबिटेंट ऑफ इंग्लैंड नहीं थे बल्कि वो इन्वेडर्स थे चाहे वो फ्रांस से आए हों या जर्मनी से आए हों या ग्रीक से आए हों सब लोगों ने इन्वेड किया था और यहाँ पर रहने लगे थे और शासन कर रहे थे तो वो कैथोलिक जो फीलिंग थी उसको चैलेंज करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी जिसको प्यूरिटन के जरिए कॉमनवेल्थ में ले जाकर के शुरू किया गया इसी चैलेंज के थ्रू जो सोसाइटी थी वो रॉयलिस्ट और कॉमनवेल्थ या प्यूरिटन में डिवाइड हो गई थी और इस कॉमनवेल्थ और रॉयलिस्ट का रिजल्ट था इंग्लिश सिविल वॉर जो 1642 में शुरू होता है और 1651 तक चलता है ऑलमोस्ट 9 ईयर उसके 3 फेजेस होते हैं 3 हिस्से होते हैं जिसमें फर्स्ट वॉर 1642 से लेकर 1646 तक चलता है ये वॉर कॉमनवेल्थ जिसको हेड कर रहे थे ओलिवर क्रॉमवेल और रॉयलिस्ट जिनको हेड कर रहे थे चार्ल्स फर्स्ट के बीच में होता है अनडिसाइडेड रिजल्ट निकलता है लेकिन कॉमनवेल्थ का डोमिनेंस शुरू हो जाता है दूसरा वॉर होता है 1648 से लेकर 1649 तक और ये वॉर एक बार फिर से कॉमनवेल्थ के हेड ओलिवर क्रॉमवेल और रॉयलिस्ट के हेड चार्ल्स फर्स्ट के बीच में होता है जहां पर चार्ल्स फर्स्ट जिनको 30 जनवरी 1649 को हैंग करके डेथ को दे दिया जाता है कत्ल कर दिया जाता है तो यहां से वो सिविल वार का सेकेंड फेज कंप्लीट होता है लेकिन यहीं से चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड थर्ड सिविल वार की शुरुआत करते हैं 1649 से लेकर 1651 तक चलता है एक बार फिर से चार्ल्स या रॉयलिस्ट की हार होती है और 51 में चार्ल्स सेकंड को फोर्स्ड किया जाता है मजबूर किया जाता है कि वह इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस में जाकर के बैनिश्ड लाइफ जिए इस तरह से 1651 में कॉमनवेल्थ का शासन हो जाता है लेकिन जैसे ही 1658 का टाइम आता है ओलिवर क्रॉमवेल डाइड और उनके बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल नेक्स्ट लॉर्ड प्रोटेक्टर बनकर आते हैं लेकिन उनकी जो रूल होती है वो केवल 264 दिन तक ही उनका शासन रहता है 1658 से लेकर 1659 तक ही वो शासन कर पाते हैं और यहाँ से चार्ल्स सेकंड जो फ्रांस में थे वो फिर से इंग्लैंड आ जाते हैं और उनका शासन शुरू होता है 1660 से जिसको हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं ये जो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस थी उन्होंने मिल्टन की जो लिटरेचर थी या मिल्टन की जो अपनी पर्सनालिटी थी उसको बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है आज हम मिल्टन को दो अलग अलग टेबल्स के जरिए लाइफ इन शॉर्ट और लिटरेरी वर्क्स पोएट्री ट्रैक्ट और ड्रामा के थ्रू स्टडी करेंगे अगर हम जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में बात करें तो ही वॉज बॉर्न एट चीप साइड लंदन ऑन 9th डिसंबर 1608 1608 में 9th डिसंबर को चीप साइड नामक प्लेस जो लंदन का एक हिस्सा होता है उस जगह पर जॉन मिल्टन पैदा हुए थे
कुछ लोगों का मानना था कि उस दिन ये फ्राइडे था और ऑलमोस्ट मॉर्निंग का 6:30 था, तो 9th दिसंबर जो फ्राइडे को पड़ रहा था उस साल, उस 9th दिसंबर की मॉर्निंग 6:30 पर जॉन मिल्टन चीप साइड में लंदन में पैदा हुए थे। He was son of John Milton Senior and Sarah Jeffrey. John Milton के फादर भी John Milton थे, जिनको John Milton Senior के नाम से जानते हैं, और उनकी माँ मदर जो थी माँ थी वह सारा जेफरी, और जॉन और सारा के 6 सिबलिंग्स थे, 6 बच्चे थे, लेकिन उनमें से केवल 3 सरवाइव कर पाए थे। सरवाइव होने वाले बच्चों में सबसे बड़ी एन थी, जिनके बाद जॉन मिल्टन हमारे पोएट थे, और सबसे छोटे ग्रुप में क्रिस्टोफर मिल्टन थे, जो सरवाइव करने वाले थे वो केवल 3 ही थे, एन मिल्टन, जॉन मिल्टन और क्रिस्टोफर मिल्टन, जबकि जो सारा जॉन मिल्टन की छोटी बहन और ताबिता जो छोटी बहन थी, ये दोनों जल्द ही डाइड हो जाती हैं। एक और इनके सिबलिंग्स होते हैं जिनके बारे में पता, कुल 6 में से ही ओनली 3 चिल्ड्रन सरवाइव्ड, तो 3 चिल्ड्रन जो सरवाइव होते हैं वो जॉन मिल्टन, एनी मिल्टन और क्रिस्टोफर मिल्टन होते हैं। केवल यही सारा और तबिता के बारे में मालूम है कि दे डाइड अर्लियर, बट अदर एक और हैं जिनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं। जॉन मिल्टन जब बड़े हुए तो जैसा मैंने बताया कि प्यूरिटन माहौल था, ही वाज वेरी रिलीजियस, उनके घर वाले भी बहुत रिलीजियस थे, फादर वाज अ म्यूजिक टीचर, तो इस तरह से जो म्यूजिक का माहौल था उसकी वजह से थॉमस यंग नाम के ट्यूटर जो प्यूरिटन थे उनको एम्प्लॉय किया गया था कि वह घर पर ही जॉन मिल्टन को ट्यूशन दे, और इस तरह से जॉन मिल्टन का जो चाइल्डहुड होता है वह प्यूरिटन इन्फ्लुएंस को लेकर के आगे बढ़ता है, जिसको थॉमस यंग कहीं ना कहीं एक सक्सेस के साथ जॉन मिल्टन के माइंड में डालते हैं। बट 1620 में जब जॉन मिल्टन ऑलमोस्ट 12 ईयर के हो जाते हैं तो उन्हें सेंट पॉल्स स्कूल में एडमिट कराया जाता है। सेंट पॉल्स स्कूल में वो ऑलमोस्ट 5 ईयर रहते हैं, जहां पर वो अपनी अर्ली एजुकेशन को कवर करते हैं, और सेंट पॉल्स स्कूल से उनका अगला एडमिशन 1625 में क्रिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होता है। क्रिस कॉलेज में उनका एडमिशन होना अपने आप में एक अलग चेंज था इन मिल्टन्स लाइफ। मिल्टन जो रीडिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा पजेसिव थे, पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एगर रहा करते थे, उनकी लाइफ पर बाइबल का बहुत ज्यादा प्रभाव था। जैसा मैंने पहले बताया थॉमस यंग जो प्योरिटन थे बड़ी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे, वह लाइफ तो जॉन मिल्टन पर थी, साथ ही साथ उन पर बाइबल का बड़ा प्रभाव था, और इस तरह से वो अपने लाइफ को बहुत प्योर रख रहे थे। जॉन मिल्टन ने क्रिस कॉलेज कैम्ब्रिज से 1629 में अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की, और 1632 में उन्होंने अपने मास्टर की डिग्री कंप्लीट की। अगर देखा जाए तो जनरली ये एक ऐसा टाइम है जहां पर एवरेज से ज्यादा 1625 में एडमिशन होता है, 1629 में ग्रेजुएशन होता है, बैचलर की डिग्री मिलती है, तो एक इसके पीछे रीजन होता है, और वह रीजन होता है विलियम चैपल से झगड़ा। इनफैक्ट जॉन मिल्टन हैड अ क्वेरल विद विलियम चैपल, और यह रीजन बनता है कि विलियम चैपल से झगड़ा करने के बाद जॉन मिल्टन वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम कैम्ब्रिज। जॉन मिल्टन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कुछ सप्ताहों के लिए एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट मिल्टन लिव्ड अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ, और उनके लंबे बाल होने और स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड रिलीजियस लाइफ जीने की वजह से उनकी लुक कुछ लेडीज जैसी हो गई थी, इसलिए उनके कॉलेज में कई स्टूडेंट्स जो थे वो मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस के नाम से भी कहने लगे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को क्रिस के सर्विस में, गॉड के सर्विस में, जीसस की सर्विस में इस तरह से डेडिकेट कर लेता है
कि वह पूरी अपनी लाइफ एक लेडी की तरह जीने लगता है, एक औरत की तरह जीने लगता है। दिस इज वाई द फ्रेज लेडी ऑफ क्रिस इज अप्लाइड टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन हैड हिज वी कैन से एन अनहैप्पी मैरिड लाइफ। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 3 बार शादियां किया, लेकिन शादियों का रिजल्ट बहुत ही हैप्पी नहीं रहा। सबसे बड़ी उनकी जो लाइफ चली वो मैरी पॉवल के साथ चली। मैरी पॉवल वाज हिज फर्स्ट वाइफ whom he married in 1642 and their relationship continued for next 10 years 1652 और ऐसा माना जाता है कि जब 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो मैरी पॉवल के जो फादर थे he was a royalist, इसलिए मैरी पॉवल जॉन मिल्टन को छोड़ करके जो कि प्यूरिटन थे कॉमनवेल्थ को सपोर्ट कर रहे थे जॉन मिल्टन को छोड़कर अपने फादर के पास चली जाती almost 3 years जहां पर वो रहती है और ऐसा माना जाता है कि 1645 के अबाउट she comes back to Milton after realizing the mistakes of her father and royalists और वहां से 1645 के बाद और 1652 7 years के बीच में they had 4 children। इनको 4 बच्चे होते हैं जिनमें से 2 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। बेटियां जिनमें बड़ी एन थी और छोटी मैरी थी। इनके अलावा बेटे के रूप में अगर देखा जाए जॉन नाम से एक बेटे थे और इनके अलावा सबसे छोटे डेबोरा के नाम से एक बेटे थे। तो ये चारों जो बच्चे थे सर्वाइविंग चाइल्ड कह सकते हैं जिनको हमने एक रिकॉर्ड के रूप में देखा है वो मैरी पॉवल से थे whom he married in 1642। नेक्स्ट उनकी मैरिज जो थी वो कैथरीन वुडकॉक से थी। कैथरीन वुडकॉक whom he met in 1656 and married as well। 1656 में इनकी मुलाकात होती है और 1656 में जॉन मिल्टन और कैथरीन की शादी हो जाती है। अभी तक जॉन मिल्टन इज कंप्लीटली ब्लाइंड क्योंकि अगर जॉन मिल्टन की बात किया जाए तो ही बिकेम ब्लाइंड बाय 1652। 1652 के आसपास ऑलमोस्ट 1651 को मान सकते हैं 1642 52 51 जिसमें ऑलमोस्ट ही बिकम्स ब्लाइंड और एक सफरिंग का दौर होता है। देन ही मैरिड विद कैथरीन वुडकॉक। देयर मैरिज कंटिन्यूड फॉर 2 इयर्स बट अनफॉर्चुनेटली 1658 में जब कैथरीन ने एक बेटी को जन्म दिया शी बोर अ बेबी डॉटर उस समय कैथरीन की हालत इतनी बिगड़ गई दैट शी डाइड एज वेल इन 1658 विद द चाइल्ड। और एक बार फिर से 1658 जहां पर डेथ ऑफ क्रॉमवेल ओलिवर क्रॉमवेल होता है मिल्टन के लिए टफ टाइम आ रहा था क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल के डेथ के साथ ही चार्ल्स सेकंड ने फिर से इंग्लैंड में आने की तैयारी कर ली थी जो रॉयलिस्ट थे और कैथोलिक भी थे। जॉन मिल्टन प्यूरिटन और साथ साथ प्रोटेस्टेंटिज्म की सपोर्ट बात करते थे और इधर जो रिचर्ड क्रॉमवेल थे उन्होंने भी गद्दी संभालने के साथ कुछ चेंजेस की बात किया जिसमें मिल्टन के प्लेस जो ओलिवर क्रॉमवेल के समय में सेकंड हाईएस्ट प्लेस को ऑलमोस्ट कवर करते थे वो रिचर्ड क्रॉमवेल के समय में अपने उस पोस्ट को खोते हैं और यही वजह होता है कि जॉन मिल्टन को ऑलमोस्ट 7 to 8 years हैड टू लिव द लाइफ ऑफ अंडरग्राउंड क्योंकि इनके खिलाफ भी इंप्रिजनमेंट और कैपिटल सेंटेंस हो जाता है जब चार्ल्स सेकंड आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1658 से लेकर के 1665 तक जब तक इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट नहीं कर लिया था तब तक इनको अंडरग्राउंड लाइफ जीना पड़ा। नेक्स्ट वाइफ वाज एलिजाबेथ मेंशू जो लास्ट तक इनके साथ रहती whom he married in 1662 and she died finally in 1728। तो एलिजाबेथ मेंशू वाज द थर्ड एंड द लास्ट वाइफ फॉर जॉन मिल्टन। इस तरह से जॉन मिल्टन ने 3 शादियां मैरी पॉवेल कैथरीन वुडकॉक और एलिजाबेथ मेंशू से किया। हिज डॉटर्स एन एंड मैरी हेल्प हिज राइटिंग। इनफैक्ट जब जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड आफ्टर 1652 तो हिज राइटिंग्स वर टू बी कैरीड ऑन और इसके लिए एक रीजन दिया जाता है कि उनकी जो बड़ी बेटियां थी एन और जो मैरी थी उनको अभी तक पढ़ना लिखना आ चुका था और जब फादर पर ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ही वाज अनेबल टू सी तो वो राइटिंग का काम एन और मैरी किया करती थी
और कई आप कई जगहों पर तो ऐसा माना जाता है कि उनके नेफ्यू एडवर्ड थे जिनको उनका फर्स्ट बायोग्राफर माना जाता है। एडवर्ड ने भी राइटिंग में हेल्प किया, बट जब बात आती है उनकी एपिक्स की जिसमें 1658 के लास्ट में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत की थी, उस टाइम तक एन और मैरी राइटिंग के लिए कुशल हो चुकी थी एंड दे ऑलमोस्ट रोट ऑल द ही वाज ऑलमोस्ट ऑन हिज पीक ऑफ फेम after writing and publishing Paradise Lost, Paradise Regained and Samsonagonistes, dates are political tracts, but unfortunately he has a problem of gout or rheumatism, ye gathiya ka rog jo hota hai usse pareshan the and he breathed his last on 8th November 1674 especially do wajahon se jana jata hai क्योंकि 1674 में पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड एडिशन आता है जिसमें 12 बुक्स होती हैं और साथ ही साथ इसी वर्ष जॉन मिल्टन ब्रेथ इज लॉस्ट ऑन 8th नवंबर 1674 हिज बॉडी वाज बरीड एट सेंट जाइल्स चर्च क्रिपल गेट। तो ये एक शॉर्ट में जॉन मिल्टन की बायोग्राफी थी, हालांकि ढेर सारी चीजें हैं जो जॉन मिल्टन के सोसाइटी और पर्सनल लाइफ से रिलेट करती हैं। But now we move towards literary works, poetry, tract and drama. John Milton was especially a poet, but unki jo writing thi usme poetry ke alawa unke political tract bhi bahut zyada charchit hote hain. Early period mein unhone apni poetry jo writing ki usme Latin ka prabhav dikha aur Latin writing kiya, lekin dheere dheere karke unhone English ओवर मूव किया और उनके करियर की शुरुआत एक पोएट के रूप में होती है। लेकिन जैसे ही कॉमनवेल्थ का मूवमेंट शुरू होता है सो ही साइडेड विद ओलिवर क्रॉमवेल और उनके ढेर सारे ट्रैक्ट पैम्फलेट्स इन फैक्ट ट्रैक्ट वो पॉलिटिकल जो हुआ करते थे उनकी उन्होंने राइटिंग करनी शुरू कर दी। इस बीच कई वर्क्स जो मिल्टन के थे उनको भी जला दिया गया था, मिल्टन को हैड टू लिव अ वेरी हार्ड एंड टफ लाइफ। बट इन सभी चीजों के दौरान भी मिल्टन ने एक ऐसा लिटरेचर अपने पीछे छोड़ा है विच मूव्स हिम इनफैक्ट प्रूव्स हिम टू बी द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स दैट इंग्लैंड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं पोएट्री के साथ। हिज पोएट्री ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ, अगर इस पोएम की बात किया जाए तो यह ऑलमोस्ट मिल्टन ने तब लिखा था जब ऐसा माना जाता है कि ही वाज अबाउट 15 और 16 ईयर ओल्ड, अबाउट 1623 के आसपास इन्होंने लिखा था। और इस पोएम का जो एक सेंटर था वाज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम हिज सिस्टर एन, एन का एक बच्चा था जिसकी डेथ होती है और उसी डेथ को उन्होंने उसी बच्चे के डेथ को उन्होंने अपना एक थीम बनाया, एक विषय बनाया और फिर उन्होंने इस पोएम को ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ को राइट किया। नेक्स्ट वर्क के रूप में ऑन द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस नेटिविटी, जनरली इसको हम लोग क्रिस नेटिविटी के नाम से जानते हैं। जीसस जैसा मैंने पहले कहा था कि जॉन मिल्टन के ऊपर जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, बाइबल का जो प्रभाव था, जीसस का जो प्रभाव था वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ 1629। अगर देखा जाए तो ही वाज जस्ट 21 ईयर ओल्ड, उस 21 इयर्स में उन्होंने इस ओड को द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस नेटिविटी राइट किया जिसमें जीसस जिस तरह से पैदा हुए, जिस तरह की मॉर्निंग थी उसको ओड के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया। एंड इट इज सेड दैट द पोएम वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 1629। नेक्स्ट पोएम इज ऑन शेक्सपियर, इनफैक्ट ऑन शेक्सपियर इसलिए भी रिमेंबर की जाती है क्योंकि इट इज सपोज टू बी द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। अभी तक जो राइटिंग हो रही थी जॉन मिल्टन की वो सिर्फ राइटिंग हो रही थी, पब्लिकेशन नहीं होती है, क्योंकि अगर पब्लिकेशन की बात किया जाए तो कलेक्टिव पब्लिकेशन होता है वो पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन एक वॉल्यूम के नाम से 1645 में। राइटिंग पहले हो गई है और ढेर सारी रचनाओं की पब्लिकेशंस जो होती हैं वो 1645 में होती है।
बट दिस पोएम ऑन शेक्सपियर विदाउट एनी टाइटल. जब ये पब्लिश होती पहली बार जिसमें कोई टाइटल नहीं होता है और इट वॉज द पार्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द फोलियो इन फैक्ट of Shakespeare's work, which was named second folio of Shakespeare's work, that was published in 1632, and there you will find that the poem was from John Milton, unnamed poem thi, jisko second folio of Shakespeare's work in 1632 mein include kiya gaya tha. Next poem is at a vacations exercise, ye inki early stage ki वर्क होती जिसमें इन्होंने एक इमेज किया था कि समडे ही विल अप्लाई ग्रैंड स्टाइल और बाद में यही वो इमेज जो उन्होंने एट अ वेकेशन एक्सरसाइज में किया था उसे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में ग्रैंड स्टाइल के नाम से यूज किया. साम्स ऑफ द बाइबल अगर देख सकते हैं तो साम्स ऑफ द बाइबल इज अ पैराफ्रेज ऑफ बाइबल. अर्ली स्टेज को माना जाता है कि अभी तब उन्होंने किया था जब ही वाज ओनली 15 और 16 ईयर ओल्ड. अबाउट 1623 ही ट्रांसलेटेड एंड मेड अ पैराफ्रेज ऑफ द बाइबल साम्स. तो भजन जो थी बाइबल्स की उन पर उन्होंने पैराफ्रेज राइट किया था. तो इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ हिज अर्ली वर्क एंड वी कैन सी हाउ मच ही वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बाइबल एंड रिलीजियस बिलीफ. एल एलेग्रो दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ 1631. 1631 में एल एलेग्रो जो एक जॉयफुल लाइफ को प्रेजेंट करता है उसको एक सीक्वल के रूप में आइल पेंसेरोजो के रूप में जॉन मिल्टन प्रेजेंट करते हैं. आइल पेंसेरोजो जो एक पेंसिव मूड शांत मूड या सैड मूड को रिप्रेजेंट करता है. बोथ पोएम्स आर सीक्वल. इनफैक्ट आइल पेंसेरोजो इज द सीक्वल ऑफ एल एलेग्रो. द बोथ वर रिटन इन 1631 एंड पब्लिश्ड इन 1645. बट द पोएम्स हैव डिफरेंट थॉट दोनों अपोजिट. एक हैप्पीनेस एल एलेग्रो हैप्पीनेस की बात करता है तो आइल पेंसेरोजो सैडनेस की बात करता है. कॉमस जो स्पेशली एक मास्क होता है और मास्क के नाम से ही जाना जाता है. इट वॉज रिटन एंड इनफैक्ट स्टेज्ड क्योंकि ये एक तरह का पॉलिटिकल वर्क था जो ड्रामा के रूप में स्टेज किया जा सकता था. That was the mask. In fact, Thomas, it was written and possibly performed in 1634. और mask के बारे में कहा जाता है कि इसका जो publication होता है पहली बार 1637 में होता है. But जब यह publish होता है 1637 में इसको कोई title नहीं दिया गया था. Untitled होता है. Arcadius भी एक mask होता है. Lacidas एक elegy है जो king एडवर्ड किंग के डेथ पर जॉन मिल्टन ने राइट किया था. एक फेमस पेस्टोरल एलजी है जैसे कि हम जानते हैं पेस्टोरल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और शेफर्ड लाइक कैरेक्टर. ऑन हिज ब्लाइंडनेस यह एक सॉनेट होता है और मिल्टन ने जिस सॉनेट को फॉलो किया था उसका पैटर्न जो था पेट्रार्का था बट उन्होंने इंग्लिश सॉनेट्स को बनाया थोड़े बहुत चेंजेस के साथ और यह उनकी अपनी ब्लाइंडनेस पर था. जबकि ऑन हिज डिजीज Diseased wife, on his diseased wife, जो सॉनेट once again की सॉनेट, यह सॉनेट जो कि वो second wife, कैथरीन वुडकॉक के डेथ पर लिखी गई सॉनेट थी. Next is Paradise Lost. Paradise Lost को लिखने का काम मिल्टन ने 1658 में शुरू किया और almost 5 to 6 years इसको कंप्लीट करने में लगते हैं और 1665 तक पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट हो जाता है. 1667 में पैराडाइज लॉस्ट को पहली बार पब्लिश किया जाता है. जब यह पहली बार पब्लिश होता है तो इसमें केवल 10 बुक्स होती हैं. बाद में पैराडाइज लॉस्ट को ड्रामेटाइज करने का परमिशन जॉन ड्राइडन ने मिल्टन से लिया था और इसी पैराडाइज लॉस्ट को वर्जिल के एनिड को फॉलो करते हुए जॉन मिल्टन ने 1674 में 12 बुक्स में पब्लिश किया. पैराडाइज रीगेन जॉन मिल्टन की यह दूसरी एपिक थी जिसको हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का रिप्लाई था लॉस्ट के बाद और इस रीगेन को पैराडाइज रीगेन को 4 बुक्स में लिखा था. पैराडाइज लॉस्ट के बाद ही पैराडाइज रीगेन पर वर्क शुरू हो गया था 1664 में.
जिसको ऐसा माना जाता है कि 1670 के आसपास कंप्लीट कर लिया गया था और 1671 में सैमसन एगोनिस्टीस के साथ इसको भी पब्लिश किया जाता है। मिल्टन इज अ पोएट बट ही हैड रिटन सम पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स दैट्स द प्रोज वर्क एज वेल यू विल सी हियर ट्रैक्ट्स दैट वर रिटन ऑफ रिफॉर्मेशन। ये वो वर्क होता है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल चेंजेस हो रही थी और ये रिफॉर्मेशन 1641 में सामने आता है ऑफ रिफॉर्मेशन जिसकी चेंजेस की जरूरत मिल्टन ने अपने इंग्लैंड में बात किया था। एनिमेटेड वर्जन भी 1641 में पब्लिश किया जाता है और इस एनिमेटेड वर्जन का थीम जो होता है वो प्रीलेट्स जो पुजारी होते हैं उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया जाता है इसमें। नेक्स्ट जो इनका वर्क यहाँ पर दिखाया गया है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, इनफैक्ट इसे हम कह सकते हैं कि यह जॉन मिल्टन की पहली मैरिज जो मेरी पॉवेल के साथ हुई थी उसका रिजल्ट था क्योंकि मेरी पॉवेल सिविल वार के शुरू होने के साथ इनको छोड़ के चली गई थी। तो जो एक कॉम्प्लिकेशंस थी डिवोर्स में उसको ही ट्राइड टू मेक इट स्मूदर सो ही रोट दिस पॉलिटिकल ट्रैक्ट एडवोकेटिंग फॉर डिसिप्लिन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ डिवोर्स इन 1643 में इस वर्क को लिखा गया था। एंड नेक्स्ट वर्क इज ट्रैक्टेट ऑफ एजुकेशन। एक तरह से ट्रैक्टेट ऑफ एजुकेशन एक साइंटिफिक और मॉडर्न व्यू था जिसमें मिल्टन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि एजुकेशन को चेंज करने की जरूरत और इसको इन्होंने 1644 में ट्रैक्टेट ऑफ एजुकेशन को लिखा विच वॉज फॉलोड बाई एरोपेलेटिका perhaps the best and most famous work of John Milton in political tract. Areopagitica is the work which advocates for the free press की बात करता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब कॉमनवेल्थ भी रूल में आ गया क्योंकि कॉमनवेल्थ ने तो इस बात की मांग की थी कि फ्री प्रेस होना चाहिए लेकिन रूल में आने के बाद उन्होंने भी इस बात को और ध्यान नहीं दिया but Milton was honest man. He advocated for the free press and that became the theme of Areopagitica which was written in 1644 once again with the Tractate of Education. The next is Tenure of the Kings and Magistrate which was written the Tenure of Kings and Magistrate which was written after the death of in fact we can say after the murder of regicide of Charles I क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को 30 जनवरी 1649 में हैंग्ड कर दिया गया था और द वर्ड ट्रैक्टेट सॉरी द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इट वाज रिटन एंड पब्लिश्ड इन फरवरी 1649 में इस वर्क को राइट किया गया बट इसके साथ ही एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट टकराव भी शुरू हो गया जिसमें मिल्टन को इस बात का सामना करना पड़ा कि किंग की हत्या का आरोप लगा। हालांकि मिल्टन टेन्योर ऑफ किंग्स और मजिस्ट्रेट में इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम क्राइम होता है वो चाहे किंग करे या कॉमन पर्सन और पनिशमेंट सबके लिए होता है इसलिए अगर चार्ल्स वाज अ क्रिमिनल एंड ही कमिटेड सम सिन अकॉर्डिंग टू बाइबल तो उसको अगर हैंग कर दिया गया तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग दैट वी कॉल क्राइम और ओलिवर क्रॉमवेल को उन्होंने डिफेंस किया था बट इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगने लगे स्पेशली सल्वेसियस जो थे क्लॉडियस सल्वेसियस उनके ओर से काफी अटैक इनके ऊपर किया गया। जो लोग किंग के अगेंस्ट थे लेकिन जब उनको हैंग्ड कर दिया गया तो वह लोग मिल्टन को छोड़कर या कॉमनवेल्थ को छोड़कर वो किंग की तरफ हो जाते हैं क्योंकि आवाम उस तरफ जा रही थी। इस बात को एक बार फिर से प्रूव करने के लिए आइकोनोक्लास्ट नाम का एक फिर से पॉलिटिकल ट्रैक्ट उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने किंग के जो इमेज थी उसको तोड़ने की बात किया आइकोनोक्लास्ट में। आइकोनोक्लास्ट इज द इमेज ब्रोकर और ये आइकोनोक्लास्ट इसलिए भी हुई क्योंकि सर्वेसिस जो थे
उन्होंने यह बताने की कोशिश की थी कि रॉयल जो किंग होते हैं उनको मारा नहीं जा सकता बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। लेकिन आइकोनोक्लास्ट में एक बार फिर से जिसको मिल्टन ने अक्टूबर 1649 में लिखा था, इस ट्रैक्ट में उन्होंने एक बार फिर से ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर कोई भी रॉन्ग होता है तो उसके आइकॉन को, उसके इमेज को ब्रोक किया जा सकता है, चाहे वो किंग हो या फिर कॉमन पर्सन क्यों ना हो। नेक्स्ट वर्क जो आता है दैट इज डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो को हम मानते हैं कि यह इंग्लैंड के लोगों के राइट के अधिकार की सुरक्षा की बात थी, जिसको एक बार फिर से मिल्टन ने ये बात सही ठहराने की कोशिश की है कि द हैंगिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट वाज राइट वन, क्योंकि इसके जरिए वो एंग्लिकन जो थे, अंग्रेज जो थे, उनके जो पॉपुलर थे, उनके जो लोग थे, उनके राइट को वो डिफेंस कर रहे हैं। और ये वो वक्त है जहां पर मिल्टन ने 1651 में कंप्लेन किया था कि उनके आई साइट वीक हो रही है। लेकिन इनके ऊपर हो रहे कंटिन्यू अटैक का रिजल्ट रहा कि नहीं, एक बार फिर से एक और अपने पॉलिटिकल ट्रैक्ट देने पड़े, दैट इज डिफेंसियो सेकेंडा। इन फैक्ट डिफेंसियो सेकेंडा जो नाम आता है वह डिफेंस दिखाता है और सेकेंडा का सेंस इसका है कि दूसरी बार उसको डिफेंस कर रहा है। पहली बार डिफेंसियो प्रो पॉपुलर एंग्लिकानो में होता, डिफेंसियो सेकेंडा जो 1654 में पब्लिश होता है, एक बार फिर से इसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी अगर किंग हो या कोई भी पर्सन अगर रॉन्ग होता है तो पनिशमेंट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सीक्यूटेड, पनिशमेंट कांट बी टेकन एज अ रॉन्ग वन। नेक्स्ट वर्क इज अबाउट द ट्रेटीज ऑफ सिविल पावर। ट्रेटीज ऑफ सिविल पावर का और ट्रेटीज ऑफ सिविल पावर का एक अपना अलग से हिस्ट्री है, एक अपना अलग से इतिहास है, और इस पावर को मिल्टन ने 1659 में लिखा। 1659 ऑलमोस्ट वो टाइम जिसमें रिचर्ड क्रॉमवेल का शासन चल रहा था, लेकिन रिचर्ड ने जिस तरह से चेंजेस किए प्लेसेस को लेकर के, उसमें सिविल पावर की बात है, कॉमन मैन की पावर है, कॉमन पर्सन की पावर के बारे में मिल्टन ने राइट किया। नेक्स्ट वाज हिज ट्रैक्ट रेडी एंड इजी वे। रेडी एंड इजी वे में एक बार फिर से मिल्टन ने एडवोकेट करने की कोशिश किया कि वे ऑफ अ पर्सन शुड बी ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू बाइबल। और इस पॉलिटिकल ट्रैक्ट को 1660 जिस साल चार्ल्स सेकंड किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं वहां से उनका शुरू। हालांकि ये टाइम था जब उनको अंडरग्राउंड लाइफ जीना पड़ रहा था, बट आफ्टर ही बिकेम ब्लाइंड एंड हिज पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश, एक सिंपैथेटिक स्पेशली किंग जॉन ड्राइडन की एक सपोर्ट होती जिसकी वजह से जॉन मिल्टन बिकम्स वेरी फेमस और एक अलग रिस्पेक्ट होता है। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी एक ट्रैक लिखी जिसका नाम था ऑफ ट्रू रिलीजन। ऑफ ट्रू रिलीजन जो ट्रैक उन्होंने लिखा